हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी दोस्त ठीक हो गए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो कि आज की जो हमारी एडिटिंग हुई है ये एकदम ऑसम एडिटिंग हुई है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। सो चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या, सबसे पहले अपना लाइट ऐड कर लेना है। जिस फोटो के ऊपर एडिटिंग करनी है उसे ऑन कर लेना, जैसे कि मैंने अपना ऑन भी कर लिया है। सो क्या करना है, इसके बाद आपको आना है अपने सैचुरेशन टूल पे, इसकी एक्सपोजर को कम कर देना है और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना है। देन उसके बाद आपको करना है डन। उसके बाद आना है आपको यहाँ से मिक्स टूल पे, इसकी टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देना है। देन यहाँ से इसकी टिंट को माइनस कर देना, वाइब्रेंस को हल्का सा प्लस करना और सैचुरेशन को माइनस कर लेना। सो देख सकते हो मैंने सैचुरेशन को माइनस कर लिया है। देन यहाँ से आना है अब हमें मिक्स टूल पे, यहाँ से मिक्स पे ओके करेंगे। यहाँ से रेड को पहले हल्का सा फिक्स कर लेते हैं ताकि जो फेस है ये वाइटनेस हो। उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज को फिक्स कर लेते हैं। सो जैसे कि देख सकते हो मैंने ये ऑरेंज को फिक्स कर लिया है, फेस हमारा वाइट हो गया। देन यहाँ से हमारे पास जो येलो कलर है, येलो को यहाँ से कर देते हैं ह्यूज की फुल और इसके सैचुरेशन को कर देते हैं माइनस। देन लुमिनेंस को हल्का सा कर देते हैं प्लस ताकि जो हमारा ड्रेस है ये एकदम वाइट हो जाए। तो देख सकते हो हमारी जो ड्रेस है वाइट हो चुकी है, येलो से एकदम वाइटनेस पे आ चुका है। देन ग्रीन कलर है, ग्रीन को हमें कर लेना है फिक्स। तो ग्रीन को करते हैं यहाँ से हल्का सा प्लस, सैचुरेशन को हल्का माइनस। देन एक्वा कलर है, एक्वा को यहाँ से कर लेते हैं फिक्स। सॉरी, ग्रीन को करना है माइनस। देन यहाँ से सैचुरेशन करना है प्लस पे, ओके। देन एक्वा को कर लेते हैं फिक्स। देन उसके बाद ब्लू कलर है, ब्लू को भी यहाँ से कर लेते हैं फिक्स। ओके बाद डन। डन करने के बाद आना आपको अपने प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे आने के बाद देख सकते हो आर्टिस्टिक फोर्स जो है एकदम मस्त लग रहा है यहाँ पे। सो अब हमें इसे करना है इस पर डन। और ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये एकदम ब्लू नहीं हुआ, सो दोबारा हमें आना है मिक्स टूल पे और ब्लू को सिलेक्ट करना है। सो आप ब्लू को पहले चेक कर लेना कि आपको ब्लू पे किस साइड में ब्लू आ रहा है। सो यहाँ से मैंने इसे चेक कर लिया है। देन इसके बाद में हमारे पास जो एक्वा कलर है, एक्वा को आपको फिक्स करना है। देन एक्वा फिक्स करने के बाद में यहाँ से आपको ग्रीन पे आना है, ग्रीन को सेट करना है। तो ग्रीन की जो ह्यू है इसको प्लस कर लेना, सो आपकी जो बैकग्राउंड एकदम ब्लू पे हो जाएगी। देख सकते हो मैंने जो एकदम ब्लू कर दिया है बैकग्राउंड को। और यहाँ से अगर डार्क करना है हल्का सा तो यहाँ पे कर सकते हो आप इसको लुमिनेंस माइनस में। देन हमारा जो येलो कलर है, येलो एकदम फिक्स है। देन यहाँ से ये जो हमारे पास आता है पर्पल कलर, इसको भी हल्का सा फिक्स कर लेते हैं। देन यहाँ से ऑरेंज को हल्का सा माइनस कर लेते हैं ताकि जो येलो ज़्यादा आ रहा है फेस पे वो फिक्स हो जाए। सो देख सकते हो इसमें बहुत अच्छी लुक आ रही है हमारे फोटो के ऊपर में, बिफोर एंड आफ्टर बहुत अच्छी लुक आ रही है। सो एक बार और आते हैं मिक्स पे और जो येलो कलर है यहाँ से इसको फिक्स करते ताकि जो ड्रेस एकदम वाइट हो जाए। तो देख सकते हो ड्रेस हमारा जो एकदम वाइटनेस हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये प्रीसेट बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी इसे दूसरे फोटो के ऊपर अप्लाई करके भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको लगे कि हाँ यार ये प्रीसेट जो काम करती है और आप इस प्रीसेट्स को यूज कर सको। सो यहाँ से इसकी विगनेट को कम कर देते हैं, मिड पॉइंट को हल्का बढ़ा देते हैं, फैदर को कम करते हैं, राउंडनेस को भी कम कर देते हैं, हाईलाइट्स को हल्का सा बढ़ा देते हैं। देन यहाँ से इसकी जितनी भी नॉइस रिएक्शन है सबको रिमूव करते हुए हम इस फोटो को चेंजेस करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ से इसके सारे जो कलर रिएक्शन है सारे को रिमूव करते हैं। देख सकते हो हमारे जो फेस एकदम स्मूथनेस हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर बहुत अच्छी लुक आ रहा है। सो इसकी सारी सेटिंग्स को करते हैं, यहाँ से कॉपी थ्री डॉट्स पे जाएंगे और इसकी सारी सेटिंग्स कॉपी कर लेते हैं। क्रॉप का जो ऑप्शन है इसे अनटिक करके यहाँ से डन कर लेते हैं। हमारे पास देख सकते हो सेकंड मॉडल की जो पिक है इसके ऊपर आए हैं, इसकी भी जो बैकग्राउंड वो ग्रीन है। देन इस पर पेस्ट कर देंगे तो देख सकते हो एकदम वाइट एंड ब्लू की जो टोन आ रही है एकदम ऑसम वाली टोन आ रही है। सो आई होप कि यार ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि प्रीसेट्स भी बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी भी फोटोज़ के ऊपर में आप इस प्रीसेट्स को अप्लाई कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा। सो देख सकते हो हमारे पास जो थर्ड जो पिक है ये मॉडल की, इसको पहले हम यहाँ से रिसेट कर लेते हैं। सो थोड़ा लोडिंग हो रहा है, वेट कर लेते हैं, सारे को रिसेट कर देंगे। देन उसके बाद में थ्री डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ से दोबारा कॉपी करना पड़ेगा हमें, दोबारा यहाँ से आते हैं और इस पर कॉपी कर लेते हैं इसके सारे सेटिंग्स को। सो यहाँ से हमने इसके सारे सेटिंग्स कॉपी कर लिए और यहाँ पे आते हैं इस फोटो के ऊपर में और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाके पेस्ट पे ओके कर देंगे। तो देख सकते हो जो बैकग्राउंड एकदम ब्लू हो चुका है। आप किसी भी फोटोज़ के ऊपर में आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ऑल फोटोज़ के ऊपर ये अवेलेबल है। सो आर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये प्रीसेट्स कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या प्रीसेट अच्छा लगा हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना।